भयानक पल बच्चा के पैर ने अपनी मां के रूप में उसे अपनी गोद में स्लाइड नीचे ले लिया। शोनाली ने कहा कि वह अजीब दुर्घटना के बाद दुनिया में सबसे खराब मां की तरह महसूस हुई। यह एक बच्चा है जो एक बच्चा का पैर किया गया था क्योंकि उसकी मां ने उसे अपनी गोद में एक स्लाइड नीचे ले जाया था। 26 वर्षीय शोनाली 31 वर्षीय साथी जेम्स और लिंकनशायर के रेंट फार्म पार्क में उनके 18 महीने के बेटे जॉर्ज के साथ परिवार के दिन बाहर थी। घर जाने से पहले एक आखिरी सवारी में निचोड़ते हुए शोनाली जॉर्ज को फिल्माया जबकि जॉर्ज ने इंडोर स्लाइड को नीचे ले जाने का फैसला किया। सबसे पहले क्लिप जोड़ी को हाथ से पकड़ती है क्योंकि वे खुशी से स्लाइड को बंद कर देते हैं। किसी भी तरह कुल पैर उसके नीचे फंस जाता है और वीडियो में एक जोरदार श्रव्य के साथ क्लिथप्स से मां ने स्लाइड्स पर बच्चों के साथ होने वाले खतरों के माता पिता को चेतावनी देने के लिए वीडियो जारी किया है। उसने कहा, मैंने जेम्स से कहा कि मैं उसे जल्दी नीचे ले जाऊंगा। वह उस समय केवल 18 महीने का था और मैं उसके साथ नीचे जाने में सहज महसूस नहीं कर रहा था। मैंने अपने जूते भी नहीं ले लिए थे क्योंकि यह केवल एक त्वरित होना था। इसके बारे में कुछ भी सोचने के बिना मैंने जॉर्ज को अपने पैरों के बीच रखा और हम एक साथ नीचे गए। मैंने तब तक अपने पैर को तब तक नहीं सुना जब तक कि मैंने इसे वीडियो पर वापस नहीं देखा। मैंने सोचा कि वह पकड़े जाने पर उसे चौंक गया था। उसने शुरुआत में रोना शुरू कर दिया लेकिन कुछ मिनटों के बाद बंद कर दिया। इसलिए मैंने सोचा कि उसे अपना पैर पकड़ा गया है और कुछ भी नहीं, परिवार घर चला गया। जैसा कि बच्चा ठीक दिखता था, वह उपहार की दुकान में जो चीजें चाहता था उसे इंगित करता था। यह तब हुआ जब उन्होंने जॉर्ज को सोफे पर रखा कि उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गंभीरता से गलत था। वह चढ़ने के लिए चला गया लेकिन बस गिर गया और रोना शुरू कर दिया। उसने कहा, वह खड़ा नहीं हो सका इसलिए हमने उसे गलत देखने के लिए अस्पताल ले जाने का फैसला किया। मैंने अभी भी सोचा था कि यह इस बिंदु पर एक खींचा मांसपेशियों या एक मुड़ वाले टखने वाला था। जॉर्ज को एयरी में अस्पताल में घुसने के बाद ग्रिम्सबी एक्सरे स्कैन ने दिखाया कि कुल ने अपना पैर तोड़ दिया था। शोना ने कहा, मुझे दुनिया में सबसे बुरी माँ की तरह लगा। डॉक्टर ने कहा कि यह टोडला के साथ वास्तव में एक आम चोट है क्योंकि वह अभी भी युवा था और लचीली हड्डियां थी। वह केवल 2 सप्ताह तक कलाकारों में थी। मुझे नहीं लगता कि लोगों को जोखिमों के बारे में पता है। जॉर्ज मेरा पहला बच्चा था और मुझे खतरे के बारे में किसी से भी नहीं बताया गया था। शोना, जो अब अपने दूसरे बेटे के साथ गर्भवती है, अब दूसरों को चेतावनी देना चाहती है। उन्होंने कहा, इंडोर प्ले क्षेत्रों से उत्पन्न जोखिम स्पष्ट संकेत होना चाहिए कि माता पिता को अपने माता पिता के साथ स्लाइड नीचे नहीं जाने की चेतावनी दी जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए उनके लिए जाने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। मैं सिर्फ माता पिता से इस वीडियो को देखने और मेरी गलती से सीखने का आग्रह करता हूँ।